नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित COP27 की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में 6 से 18 नवंबर तक चल रहा है, जिसमें विश्व भर में हो रही मौसम संबंधी घटनाओं, यूक्रेन में युद्ध के कारण उपजे ऊर्जा संकट और उसके वैज्ञानिक तथ्यों व चेतावनियों पर बात की जा रही है। जलवायु वित्त पोषण एक बार फिर से COP27 सम्मेलन के दौरान एक अहम थीम होगी। वित्त पोषण संबंधी चर्चाएं पहले से ही एजेंडे का हिस्सा हैं। बैठक के दौरान विकसित देशों द्वारा प्रतिवर्ष $100 अरब मुहैया कराए जाने का वादा संभव है गहन चर्चा के केंद्र में रहेगा, जिसे अभी पूरा नहीं किया जा सकता है। इस वर्ष का जो थीम है वह वित्त पोषण, विज्ञान, युवा व भावी पीढ़ियाँ, कृषि, लैंगिक मुद्दे, जल, नागरिक समाज, ऊर्जा, जैव विविधता और समाधान, ये कॉप की नवीनतम थीम है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है वो पूरी दुनिया से जुड़ा है, हर व्यक्ति से जुड़ा है। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत मनजीव सिंह पुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनजीव जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे JNU की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उषा मीना जी से। उषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे CEW के फेलो डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जी से। वैभव जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत मनजीव जी मैं आपसे करूंगा। एक अहम सम्मेलन COP27, क्या मायने हैं दुनिया के लिए इस सम्मेलन के? कितना अलग है ये जो पूर्व में सम्मेलन हुए थे जलवायु परिवर्तन को लेकर? इस सम्मेलन को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 27वीं बार दुनिया के बड़े देश जो हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर जो हैं, वो क्लाइमेट चेंज पे मीट कर रहे हैं जी। तो ये मुद्दा नया नहीं है, ये मुद्दा अब दुनिया के सामने 20-25 सालों से बिल्कुल है वहां पर। लेकिन हर साल जो भी सम्मेलन होता है उसमें हमें ये बताया जाता है, और बिल्कुल ठीक बताया जाता है, कि जो हमारी धरती है उसमें ग्लोबल वार्मिंग, और अब जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट IPCC की आई है वो ये दिखा रही है कि हमारे जितने भी देश जी, उसमें सब बड़े बड़े देश, विकसित देश, विकासशील देश, सबको मिलाए, सबने जो जो कमिटमेंट्स किए हैं कि वो अपनी तरफ से क्या क्या क्लाइमेट एक्शन करेगा, वो भी इनसफिशिएंट है। हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी तक, वहां तक रोकने की। ये सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट इसकी है क्योंकि कोशिश ये जाहिर है पिछले 20-25 सालों से कि दुनिया के सारे देश, विकसित, विकासशील, सब लोग इकट्ठे होके कलेक्टिवली कोई ना कोई एक्शन ले कि क्लाइमेट चेंज से हम अपने आप को बचा सके। देखिए, धरती तो हमारी जलती जाएगी, लेकिन मानव जात जो है, जिस किस्म के स्टाइल से हम लोग रहते हैं, जो हमारे वास्तविकता है, जो तौर तरीके हैं जी, अगर ये सब 2 डिग्री 2.5 डिग्री तक बढ़ जाए तो इससे ये जिस किस्म की जिंदगी हम लोग यूज टू है, जिस किस्म की जिंदगी से मानव जात यूज टू है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जिसको कहते हैं पूरे ग्लोबल, पूरी ह्यूमन रेस के लिए एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्रॉब्लम। इसलिए ये सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्मेलन में भाग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज हमें और माननी चाहिए कि इंटरनेशनल गवर्नेंस के जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे में कोई खास इतनी ज्यादा आपत्ति लोगों की होती नहीं है, चाहे एक जमाने में डोनाल्ड ट्रंप वगैरह कहते थे क्लाइमेट चेंज हो, ये बात नहीं। लेकिन जो असली मामला है वो है बर्डन शेयर, कौन कितना करेगा जी। ये मुद्दा हुआ क्योंकि विकासशील देश जो है उन्होंने 200-250 साल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस की, वो अर्थ के एटमोस्फियर में बैठी हुई है और उससे ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग हो रही है। वो लेकिन नहीं चाहते कि जो उनका अप्रोप्रिएट और फेयर शेयर है वो मीट करें। वो हमारे तरफ, विकासशील देशों की तरफ देखते हैं कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे कुछ करिए। तो ये गेम जो है या जो भी नेगोशिएशन है वो ये है बर्डन शेयरिंग। जी, मुश्किल यही है। सबसे बड़ा मनजीव जी मुद्दा यही है कि जो दुनिया के ताकतवर देश हैं, विकसित देश हैं, वो जलवायु परिवर्तन पर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब जो चीज तय होती है क्या वो समय पर उसका क्रियान्वयन अपने देश में करते हैं? और यही सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा है आज। मैं आपसे समझना चाहता हूं उषा जी, जो COP27 सम्मेलन है इसके उद्देश्य क्या हैं?
कौन से बड़े उद्देश्य हैं इसके, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हो चुका है? जो कॉप 27 हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य तो है कि हम क्लाइमेट चेंज के एडेप्टेशन ऑप्शंस जो है उनके ऊपर वर्कआउट करें, सारे जो भी उसके सिग्नेटरी कंट्रीज है वो सब मिलके उसके ऊपर करें। और एडेप्टेशन में भी जो फोकस इस बार इस तरह से है कि नाउ क्लाइमेट चेंज जो है वो एक एस्टेब्लिश एंटिटी है और उसके इम्पैक्ट सारे देश देख रहे हैं कि क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, उनकी ड्यूरेशन भी बढ़ गई है, उससे हमारा लाइफ लॉस भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, एज वेल एज इकोनॉमिक लॉसेस भी हो रहा है। और इसमें सब कंट्रीज की जो वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए वो अलग अलग है। जैसे कि इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया इज द 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट। और इसके कारण हमारा जो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट हुए, हमने ही देखा अभी 2021 में हीट वेव्स के इवेंट्स हमारे इतने ज़्यादा हुए तो उससे हमारा अराउंड 5.4% जीडीपी लॉस भी हुआ। और इसी तरह से हमारी लाइफ लॉस भी हमारे यहाँ 55% जंप हो गया अराउंड 2000 से कंपेयर करें तो उस तरह से। और हम लोग बात करते हैं कि हम अपने जो टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कर्टेल करेंगे 2030 पर, जबकि उससे अभी हम लोग बहुत दूर हैं, क्योंकि अगर एट प्रेजेंट जो रेट चल रहा है तो देन वी विल रीच अराउंड 2.4 to 2.9। तो एडेप्टेशन ऑप्शंस की बात ये है कि पहले जो स्ट्रेस रहता था वो मिटिगेशन की, हम जीएचजी इमिशन को रोकें, पर इस साल से हर कोई इम्पैक्ट झेल चुका है तो अब उनके लिए बात करी जा रही है कि हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग को अपनी स्ट्रेंथन करें, क्लाइमेट फाइनेंस जो है डेवलपिंग कंट्रीज की क्लाइमेट फाइनेंसिंग करें डेवलप्ड कंट्रीज, ताकि हम उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकें। जी वैभव जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो इससे पहले सम्मेलन हुए जलवायु परिवर्तन को लेकर और अब कॉप 27, किस मायने में यह अलग है? क्योंकि पहले भी चर्चा हुई, पहले भी मुद्दे तय हुए, समझौते हुए, लेकिन क्या उनका क्रियान्वयन दुनिया के देशों ने किया? जी तो बिल्कुल आपकी बात सही है मनोज जी, पहले धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। एक मैं पहले कॉप के महत्व के बारे में बताना चाहूँगा। तो देखिए, कॉप अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल नैरेटिव होता है, वो सेट करने का प्रयास है। दैट्स व्हाई कॉप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई ग्राउंड पे चेंज हम लोग कहते हैं देखने के लिए, दो चीज़ें देखनी होती है हमको। एक तो मार्केट्स कैसे मिलते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, क्लाइमेट चेंज में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा है कि डोमेस्टिक पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, सरकारें क्या करती हैं, फिर भी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सरकारों का। और ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं जो कॉप के लेवल पर जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होता है उससे इन्फ्लुएंस, तो इसीलिए हर कॉप का अपना महत्व होता है और प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रोग्रेस धीरे धीरे ही हो रहा है उस लेवल पर, मार्केट्स और तेज़ी से मुड़ रहे हैं, लेकिन कॉप के लेवल पर जितना हम चाहते हैं अपेक्षा रखते हैं उसमें हमेशा धीरे प्रोग्रेस होता है। इस कॉप में भी हम लोग जो चाह रहे हैं इसको, जो इजिप्शियन प्रेसिडेंसी है उसने उसको इम्प्लीमेंटेशन कॉप का नाम, इसका मतलब कि अब बहुत हो चुका, बातें बहुत हो चुकी, हम लोग बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस कॉप में हमको कुछ बहुत ही हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे कुछ करके दिखाना है जी। तो उन्होंने भी ये रिकग्नाइज किया, वो जब हम कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन कॉप, इसका मतलब ये रिकग्निशन है कि अभी तक की कॉप्स में प्रोग्रेस स्लो हुआ है और इसमें हमको कुछ बड़ा करना है। और बड़ा करने का मतलब है, एक तो जैसे उषा जी ने कहा अडेप्टेशन, उसको मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, उसमें लॉस एंड डैमेज स्पेशली इस बार एजेंडा आइटम में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे हम जितने साइक्लोन्स देखते हैं इंडिया में, कितने साइक्लोन्स बढ़ने लगे हैं, पहले खाली ईस्ट कोस्ट पे होते थे, वेस्ट कोस्ट पे भी बढ़ने लगे हैं, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों बढ़ने लगी है, उससे लॉस एंड डैमेज होता है लाइफ का, लाइवलीहुड्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो जितनी भी क्षति होती है जीडीपी की, उसको कौन भरपाई करेगा, तो वो लॉस एंड डैमेज का मुद्दा है। तो इस बार पहली बार एजेंडा में उसको इंक्लूड कर लिया गया है, अच्छी पहल है, लेकिन अभी भी उसमें भी काफी समय लगेगा। तो एक ये हो गया, दूसरा फाइनेंसिंग का मुद्दा आपने भी जैसे कहा, जो ताकतवर देश है बहुत सालों से प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस उन्होंने पूरे नहीं किए हैं अपने अनफॉर्चुनेटली, तो इस बार उस पर भी एक बहुत गहमा गहमी होने वाली है हम लोग, ऐसा लग रहा है होनी भी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस चाहिए और फाइनेंस के बहुत चैनल्स होते हैं, आई मीन तरह तरह के फाइनेंस होते हैं, ग्रांट्स भी होती हैं, लो कॉस्ट लोन्स भी होते हैं, कार्बन मार्केट्स भी होते हैं, तो हर चैनल पे इसमें डिबेट चलती है, नेगोशिएशन होते हैं। होप इज कि हम लोग कुछ इम्प्लीमेंटेशन कॉप है इसमें हम ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाएंगे। अमेरिका ने ऑलरेडी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है यस्टरडे, एक यू नो एक एक्सेलरेटर कार्बन मार्केट के रिलेटेड उन्होंने किया है अपना, जो आर्टिकल 6.2 के अंदर होगा। तो ये अतः है, जैसे मैंने कहा बहुत सारे चैनल पर साइमल्टेनियसली एक साथ नेगोशिएशन चलते हैं कॉप में, और किसी पे ज़्यादा प्रोग्रेस होता है, किसी पे कम प्रोग्रेस होता है। और कॉप एक को हमको आइसोलेशन में, कॉप 27 कॉप को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, ये शुरू से ही चल रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है जी। लेकिन मंजीव जी,
संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उन्होंने जो कुछ कहा है दुनिया भर के नेताओं के बारे में, एक तरह से उन सबको कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती को लेकर जो हमारी प्रतिबद्धता है वो दिखावा नहीं हो सकती, आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही? मनोज जी, संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने बिल्कुल सही कहा जी कि ये देश देश ही क्या कंपनी है, हम लोग कई लोग ये लोग हम लोग अटेम्प्ट नहीं करते कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो दुनिया में अच्छा नजर आए। तो आजकल मुद्दा क्या है, पॉलिटिकली करेक्ट क्या चीज है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो ग्रीन होना चाहिए। असल में डेफिनेशन ग्रीन की क्या है कि उसका कार्बन फुटप्रिंट छोटा होना चाहिए या कम होना चाहिए, लेकिन ग्रीन के दायरे में हम लोग सब चीजों को जोड़ देते हैं, तो वो लोग इस चीज के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इसको जरूर देनी भी चाहिए। अगर मैं आप मुझे अलाउ करें, यहाँ बहुत अच्छी चीज है उषा जी और वैभव जी ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन। असल में तो मुद्दा हमेशा इम्प्लीमेंटेशन का होता है, आपकी कितनी भी अच्छी यू नो डिसीजन हो, पॉलिसी हो, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं तो क्या होगा। और दूसरा मुद्दा इसमें शायद आप आए इसके बाद, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी जो दुनिया है इसको चलाने के लिए पैसा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जी। और अगर आप जो भी कहें मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, साथ में ना बैंक नोट खोले ना कुछ पैसा करें, तो उसके बाद कहां से वो चीज चलेगी। इम्प्लीमेंटेशन का अपने आप ही अभाव हो जाएगा, इसलिए ऑटोमेटिकली हम उस पे मुद्दे पे आ जाते हैं कि जिस चीज के लिए आपने कोपनहागन 2009 में ये कहा कि हम $30 बिलियन अगले 2 साल और $100 बिलियन हर साल देंगे आगे बढ़ते हुए, और वहां उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। पिछली बारी तो ग्लासगो में विकासशील देशों ने ये कह दिया, विकसित देशों ने ये कह दिया सॉरी हम कर ही नहीं पाए जी। अब आगे चल रहे हैं, अब इस बार देख रहे हैं कि शायद नए टारगेट। भाई मैं तो ये कहता हूँ चलिए नए टारगेट लीजिए, लेकिन उनमें दृढ़ता दिखाइए, फर्मनेस दिखाइए और कम से कम उनको कंप्लीट तो करिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो एक ऐसा मुद्दा है ये सिर्फ विकासशील देशों की प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए इन सेल्फ इंटरेस्ट प्लीज एक्ट टूगेदर विद एवरीबॉडी इन कोलैबोरेशन। आपकी क्षमता है जरा थोड़ा सा उसके लिए मदद करिए, आगे आइए उसको करने के। जी बिल्कुल, लेकिन उषा जी मैं आपसे समझना चाहूँ उससे पहले 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण बातें संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने और कही हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पृथ्वी बचाने का ये आखिरी मौका है और सभी देशों को एकजुट होकर सहयोग की राह पर चलना होगा। दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले चीन और अमरीका पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये उत्सर्जन में कमी लाकर मानवता को नष्ट होने से बचाएं। अमेरिका और चीन का बार बार हर सम्मेलन में नाम आता है और जिस तरफ इशारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर रहे हैं कि सबको एक साथ सहयोग की राह पर चलना होगा, आप कैसे देखती हैं उनकी इन बातों को? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, उन्होंने तो ये तो सही कहा है कि जो जीएचजी इमिशंस अगर हम कंट्रीज का देखें तो यूएस और यूरोपियन नेशंस का बहुत ज्यादा है, इंडिया तो ओनली 3% कंट्रीब्यूट करता है उस इमिशंस में। यूएस 25% करता है, यूरोपियन यूनियन अराउंड 17% कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम ये कहें, लेकिन फिर भी अब इस चीज को भी हम साइड कर दें कि अब तो वो इंडिविजुअल डेवलप्ड नेशंस वाली को भी अगर हम कहेंगे वो स्टेज से हम काफी आगे आ चुके हैं, अब तो कलेक्टिवली एक्शन लेने की स्टेज है। Now every nation, whether it is a developing nation or whether poor nation or whether a developed country, everyone has to come on the platform. We have to take the accountability. हर किसी को अपनी accountability लेनी होगी और तभी उन सबको मिलके ये जो इस बार के COP में जो मुद्दा आया है, और ये एकदम सही है कि अगर हम action भी लेना चाहें तो action without finance possible नहीं है, तो we need to ensure the finance. और कोपेनहेगन अकॉर्ड में 2009 में जो डेवलप्ड कंट्रीज ने कमिट किया था कि वो 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया है, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। और अगर हम आगे प्रोजेक्टेड जो रीडिंग्स है उनको देखें कि हमने जो पेरिस एग्रीमेंट ही मान लो उसमें हमने कहा था कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें कर्टेल करना है, अगर उस रेट को भी हमें रोकना है तो हमें उसके लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है 10 टाइम्स फास्टर चाहिए एज कम्पेयर टू जो कोपेनहेगन का 2009 का रिकॉर्ड था। हमें अभी अराउंड $5.2 ट्रिलियन की फाइनेंस की जरूरत है
टू कर्टेल द टेम्परेचर का जो हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है टेम्परेचर, और इसके लिए $460 बिलियन पर ईयर हर एक कंट्री को उसमें मतलब जो सिग्नेटरीज हैं उनको क्लाइमेट फाइनेंस का ये फंड क्रिएट करना पड़ेगा। और ये मैकेनिज्म जो है क्लाइमेट फाइनेंस वाली चीज भी कोई नई नहीं हो रही, ये हमने जब क्योटो मैकेनिज्म डेवलप किया था UNFCCC के इनिशियल स्टेज पे, इनफैक्ट क्योटो के अंदर डिफरेंट प्रोविजंस थे कि हम क्लाइमेट फाइनेंस को स्ट्रेंथन करें, पर हर कंट्री हमेशा इस चीज के ऊपर मतलब न्यू हम लोग इमिशन रिडक्शन टारगेट्स लेते आए, जबकि इमिशन रिडक्शन टारगेट्स भी फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए अभी हमें एकदम फाइनेंस में एकदम क्लैरिटी लानी होगी, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, जो वल्नरेबल कंट्रीज है उनको लॉस एंड डैमेज के अंदर में उनको कंपनसेट करना होगा, तभी इस चीजों में आगे। और ये चीज अब इम्प्लीमेंटेशन अगर स्ट्रांग होगा तभी हम शायद कुछ हद तक, हम 1.5 तो मैं सोचती हूँ लिमिट तो हम आई डोंट थिंक एट प्रेजेंट स्टेज हम उसको कर भी पाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं अगर जब जब हमें फाइनेंसेस अवेलेबल। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सबको मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आकर कलेक्टिव एक्शन लेना होगा। मैं वित्त कोष की ही बात पहले कर लेता हूँ वैभव जी, क्योंकि ये मुद्दा चर्चा में भी बार बार आ रहा है और जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है उसका भी एक मुख्य एजेंडा इस पर केंद्रित रहने वाला है, इस पर भी चर्चा हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जो कोष बना था उसमें अपने हिस्से का पूरा चंदा नहीं दिया। चीन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठता रहता है, अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल उठता रहता है। आप ये ताकतवर देश जो हैं जो जलवायु परिवर्तन की बात तो करते हैं लेकिन जो फैसले होते हैं, जो समझौते होते हैं वैश्विक स्तर पर, उसके जब क्रियान्वयन की बारी आती है तो उनका जो रुख रहता है उसमें खासा परिवर्तन देखने को मिलता है। आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही बात है, ये प्रॉमिसेस बहुत पुराने हो चुके हैं और ये जो कहते हैं कि 100 बिलियन देंगे ये सीलिंग थोड़ी, ये फ्लोर है। ये तो मतलब बिल्कुल मिनिमम अमाउंट हम जो मिलना चाहिए था डेवलपिंग वर्ल्ड को वो वाला है, सीलिंग तो बहुत हाई। जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है खाली इंडिया के लिए कहते हैं नेट जीरो अचीव करने के लिए $10 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं। ये ऐसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि सारा पैसा वहीं से आ जाएगा, तो कुछ सब्सटेंशियल पैसे तो आएगा, आना ही चाहिए। और जैसे एम्बेसडर पुरी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही शुरू में, बर्डन शेयर, राइट? और बर्डन शेयरिंग ऑफकोर्स इसका मतलब है कि ये कॉस्टली है। हम लोग जो मिटिगेशन चाहते हैं, जो अडेप्टेशन चाहते हैं, इसमें थोड़ा पैसा लगेगा और अच्छा खासा पैसा लगेगा। तो ये बर्डन शेयरिंग है कि पैसा कौन देगा, और हम लोग ऑफकोर्स जो विकासशील देश हैं उनके पास इतना पैसा तो है नहीं। हम लोग की डोमेस्टिक चैलेंजेस, एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक चैलेंजेस हमारे बहुत सारे हैं, तो उनको हम अपने एजुकेशन और हेल्थ को छोड़ के और पॉवर्टी एलिवेशन को छोड़ के अगर हम मिटिगेशन में ही पैसा डालने लगे, जबकि सब कुछ इंटर रिलेटेड है, मतलब मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन इम्पैक्ट पॉवर्टी सब कुछ इंटर रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स फाइनेंस उनको देना चाहिए। अभी तक प्रॉमिस कर रहे हैं वो नहीं दे रहे, लेकिन बर्डन शेयरिंग का दूसरा एंगल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आंकड़े जैसे IPCC ने अभी बताया कि ग्लोबल कार्बन बजट जो रह गया है 1.5 डिग्री के लिए वो 500 गीगा टन ऑफ CO2 रह गया 2020 ऑनवर्ड्स। तो अगर हम खाली अमेरिका, चाइना और यूरोपियन यूनियन के एमिशन देखें, फ्यूचर ये उनके हिसाब से होने वाले हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट किए हैं फ्यूचर के 2050 तक के 2060 जाने के लिए, तो जो ग्लोबल कार्बन बजट है उसका 89% ये तीन रीजन अकेले मिलकर खाने वाले हैं, जो उनके कमिटमेंट उनके हिसाब से जो 1.5 डिग्री से के। पूरी दुनिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इंडिया सबके लिए वो 11% बचता। तो बर्डन शेयरिंग का एक तो एंगल फाइनेंस हो गया जो उनको देना चाहिए, दूसरा एंगल जो हो गया कि जो एक्चुअली मिटिगेशन करना है, तो अगर वो ये तीनों रीजन अपने नेट जीरो ईयर्स को 10 साल भी आगे कर एडवांस कर लें, तो हमारे एस्टिमेट कहते हैं कि ग्लोबल कार्बन स्पेस में 18% अवेलेबल हो जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो अल्टीमेटली वी हैव टू इंश्योर कि पूरी डिबेट इज अ वेरी इक्विटेबल डिबेट। ये पैसा भी ऐसा नहीं है कि जो विकासशील देशों के जेब से बहुत ज्यादा पैसा जाना चाहिए जो अभी जा रहा है, और जो मिटिगेशन एक्शंस हैं ये भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो अपने एक्शंस कर रहे हैं बिना सपोर्ट, यू नो। तो ये हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, और इस पे वी हैव टू कॉल देम आउट, और यही हर कॉप में पूरी कोशिश की जाती है ये मुद्दे, इसीलिए फाइनेंस इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो मिटिगेशन एक्शंस एडवांस देयर नेट जीरो ईयर्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोगों ने बनाया। जी, वित्त कोष की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ मंजीव जी, और आपसे भी समझना चाहूंगा भारत की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है, क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में कहा है कि जलवायु वित्त अभी भी अपर्याप्त है, इसलिए पूर्व चेतावनी प्रणाली जीवन और आजीविका को प्राकृतिक खतरों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को भारत के नजरिए से, भारत के दृष्टिकोण से?
मनोज जी देखिए, अर्ली वार्निंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमेशा होती है। आप और मैं हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर कैटास्ट्रोफिक नेचुरल कैटास्ट्रोफिक बहुत बार होते हैं, और जिस तरह हमने अपनी अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ाई हैं, आप खुद ही देखेंगे। याद है आपको जो हमारे यहाँ 2004-05 में इतना बड़ा सुनामी आया था, कितने लोग बेचारे मर गए। उसके बाद हमने अपनी एबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़िया की है कि अब जब बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं, कम से कम जान लेवा तो नहीं, प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है, बहुत चीजें। तो ये नो अर्ली वार्निंग इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, और ये सिर्फ रेजिलियंस नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे मंत्री जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि ये भी एक डेवलप करने की बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है दुनिया में, रेजिलियंस को डेवलप करने की जरूरत। और इनफैक्ट भारत ने इसमें बहुत जिसको कहते हैं बढ़ोतरी ली। हम लोग बात ज्यादातर इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह की करते हैं, लेकिन इंडिया ने जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो किया है, वो बहुत सराहनीय काम है। और ये पर्टिकुलर चीज खासकर डेवलपिंग कंट्रीज और लो लाइन डेवलपिंग कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड स्टेट, वहां पर बहुत ही ज्यादा और खास ही बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कोई ऐसी दो राह की बात नहीं। रह गया पैसा, मनोज जी हम लोग जितनी मर्जी बात करें जी, एंड में बिना पैसे के इस दुनिया में कोई काम आगे नहीं निकलता। चाहे आप और मेरी जिंदगी बेटर होनी, या देश आगे जाना, या मिलिट्री स्तर पर कुछ चीज आगे करनी, या क्लाइमेट चेंज से लड़ना, आप उसके लिए जिसको कहते हैं रिसोर्सेस मुहावा करें तो अपने आप इनोवेशन भी हो जाती है, अपने यहाँ बहुत तरीके भी हो जाते हैं। एक कोई आइंस्टाइन या लुई पास्टियर वो उसकी तरह वेट करते रहे तो पता नहीं कितनी सदियां लग जाए, लेकिन एफर्ट ये होता है कि आप रिसोर्सेस मुहावा करें। पैसे का मतलब रिसोर्स। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम तो यही देख रहे हैं कि जो विकसित देश हैं वो बातें बड़ी करते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन ने दो देशों की तरफ देखा, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जी, और साथ में सुना आपने वैभव जी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कार्बन मार्केट्स में, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो तो कहेंगे देखिएगा हम तो अपना कर रहे हैं, अब रह गया चाइना। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं। रियलिटी इज के विकसित देश, खासकर जिनके पास ज्यादा पैसा है, और इसमें मैं चीन को एक्सक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स वो बिल्कुल चूक रहे हैं जी। और मैं इसको चंदा नहीं मानता, क्योंकि वो जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, फिलैंथ्रोपी, वो नहीं है फिलैंथ्रोपी, ये है कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मेकिंग द अर्थ रिमेन वेरी हॉस्पिटेबल टू ह्यूमन हैबिटेशन, ये उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये कोई किस्म का चंदा नहीं है, इफ यू डोंट माइंड माय सेइंग्स, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है। और ये कंट्रीब्यूशन इसलिए कि यू आर रिस्पांसिबल फॉर व्हाट हैज हैपेंड और आपके फायदे के लिए जी। जाहिर सी बात है कि देश हैं अपने अपने कूटनीतिक लिहाज से कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उषा जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध की स्थिति है, मौजूदा हालात जो हैं, उसने पर्यावरण को कितना प्रभावित किया, क्योंकि यह मुद्दा भी COP27 का एक इशू है, मुद्दा है। आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? इस मुद्दे पे अभी इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट पे है इस तरह से तो अभी स्टडीज होती है, लेकिन ऑब्वियसली इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो आए हैं, सबसे पहले यूक्रेन जो था सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर हुआ करता था वर्ल्ड के लिए, बट ड्यू टू दिस वॉर वहां पे जितना वीट प्रोडक्शन कर्टेल हो गया, तो सबसे बड़े तो जो इम्पैक्ट है वो है फूड सिक्योरिटी को लेकर, कि हमारा इस वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मुझे लगता है वो इनडायरेक्टली होगा फूड सिक्योरिटी के लिए, कि नेशंस की फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी से ही डायरेक्ट, और फूड सिक्योरिटी को दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज भी इम्पैक्ट कर रहा है। क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट्स जो और कंट्रीज हैं जो फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी फूड प्रोडक्शन पोटेंशियल को इम्पैक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज, और इस तरह से मुझे लगता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो हम सभी को ही विजुअलाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन जो होगा वर्ल्ड में ड्यू टू यूक्रेन एंड रशिया वॉर। बाकी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो अभी कुछ दिनों में स्टडीज होकर किस तरह से उस वॉर ने टेम्परेचर, जो हम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन लेवल के कॉन्टेक्स में हम क्लाइमेट चेंज को स्टडी करते हैं या CO2 लेवल्स के कॉन्टेक्स में, तो उस पर तो मेरा जो नॉलेज है अभी थोड़ी कम है, मुझे लगता है अभी स्टडीज आनी बाकी है। जी बिल्कुल वैभव जी, दोनों विषयों पर मैं आपसे बहुत संक्षेप में
चाहता हूं प्रतिक्रिया कि आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जो रूस यूक्रेन का युद्ध है उसका क्या असर जलवायु परिवर्तन पर पड़ रहा है, वातावरण पर पड़ रहा है। दूसरा, कॉप 26 में भारत की ओर से जो चुनौती से निपटने के लिए पंचा अमृत तत्व, एक तरह से पंचा अमृत की सौगात दी गई थी दुनिया को, उसकी क्या स्थिति है, उसे आप कैसे देखते हैं, उसका क्या असर हुआ? जी, पहले जो रूस यूक्रेन का वॉर है ये बहुत ही पैराडाइम शिफ्टिंग है, बिकॉज एनर्जी प्राइसेस इससे बहुत बढ़ गई। और जो जो शॉर्ट टर्म ट्रेजेक्टरी की बात नहीं कर रहे, पहले हम कह रहे थे जैसे जो गैस, नेचुरल गैस प्राइसेस थी वो एक नीचे की तरफ जा रही, तो वर्ल्ड ओवर लोग कह रहे थे कि ये फॉसिल मतलब इसका इम्पैक्ट कम होता है कोयले को तुलना में, तो नेचुरल गैस की तरफ बढ़ना चाहिए सबको, ऐसी बातें चल रही थी। पूरी डायनेमिक शिफ्ट हो गई है, नेचुरल गैस प्राइसेस थ्रू द रूफ हो चुकी है अब। इनफैक्ट यूरोपियन देशों में जो बहुत सारे जो नेचुरल गैस पर फिक्स्ड हैं, अब वो कहने लगे कि भाई हम कोयले पे वापस जाएंगे, बिकॉज हमको रूस से खरीदना नहीं नेचुरल गैस, तो प्राइसेस इतनी बढ़। तो क्लियरली बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट्स हो रहे हैं ये एनर्जी प्राइसेस में, ग्लोबल एनर्जी रेजिम, और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज पर तो होने ही वाला है, ये बहुत ही क्लियर है। और ग्लोबल जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन का मतलब है जो हम अभी डिस्कशन चल रहे हैं कि वर्ल्ड एक रिसेशन की तरफ जा रहा है, इंडिया में भले ही नहीं हो, वी माइट बी अ फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी, बट ग्लोबली रिसेशन की तरफ जा रहा है, उसके बहुत ग्रोथ इम्पैक्ट जो है ये एनर्जी और क्लाइमेट से बहुत जुड़े हुए हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, ये सिनेरियो बहुत अलग सिनेरियो कंपेयर टू द लास्ट ईयर ग्लासगो में सिनेरियो था, वो भी हम पैंडेमिक के बाद थे, बट इतना नेगेटिविटी नहीं थी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से, अभी जस्ट वॉर की वजह से बहुत नेगेटिविटी आ गई। तो ये बहुत बड़ा इसके इम्प्लीकेशंस हैं सारे देशों के लिए, ग्रोथ के लिए, इम्पैक्ट इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए बहुत इम्प्लीकेशन है। अभी तो हम इस सिचुएशन की बात करें, जब अमेरिका रिसेशन में घुसने वाला है, अगर यूरोप घुसने वाला है, उसमें हम कह रहे हैं फाइनेंस बढ़ा दी, ठीक है, हम जो भी बोले क्या ये होने वाला है प्रैक्टिकली, तो वो अब इसके जो प्रोबेबिलिटी और कम हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत चेंज है। पहले भी पैसा नहीं आ रहा था, अब तो और प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है। तो वो एक रूस यूक्रेन वॉर का एक सत्य है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है इसके बहुत तरीके से इस क्लाइमेट डिबेट पर। दूसरा, मैं इंडिया के पंचामृत की बात करना चाहूंगा। इंडिया के पंचामृत तो बहुत ये एम्बिशियस है, तो हम लोगों ने अपडेट भी कर दिए हैं, जैसे अभी भी ऑफिशियली अपडेट कर दिया है हम लोगों ने, जो अपने जो इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी के हमारी शेयर वाले टारगेट है, तो उसको हमने 50% 40% के आसपास कर दिया है, 45% हमने वो कर दिया है। जी बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा दरअसल इतना बड़ा मुद्दा है कि इसे बहुत कम समय में इस पर अधिक चर्चा करना मेरे लिए भी संभव नहीं है, लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं दुनिया के ताकतवर देश, सभी देश, तो ग्रीन वॉशिंग के लिए जीरो टॉलरेंस होना अनिवार्य है, ये भी एक संदेश इस सम्मेलन का है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।